नमस्कार, स्वागत है आपका सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और सत्यहिंदी.com का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सोमवार से शनिवार मैं लाती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण, उसके पीछे का सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। चलिए शुरुआत करते हैं आज सोमवार के हेडलाइंस की। महाराष्ट्र के सियासी भूचाल में शिवसेना, NCP और कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन। उधर महाराष्ट्र पर कल आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार के खिलाफ सिंचाई घोटाले का केस बंद, इसके बारे में क्या है खबरें आपको बताएंगे। उधर सिंधिया ने ट्विटर के बायो से हटाया कांग्रेसी परिचय, अटकलें तेज। और प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को लगाई तगड़ी फटकार। तो इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से। और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र के सियासी खेल में। तो आइए इससे जुड़ी पहली खबर की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर छिड़ी बहुमत की जंग के बीच शिवसेना, NCP और कांग्रेस ने मुंबई के होटल हयात में अपने 162 विधायकों की परेड कराई, जिसके बाद ये साफ है कि इन पार्टियों का दावा मजबूत है और BJP का सरकार बनाने का दावा इससे कमजोर दिख रहा है। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर बताया कि वो अपने 162 विधायकों की परेड हयात होटल में कराएंगे और उन्होंने महाराष्ट्र के गवर्नर से भी आने का अनुरोध किया। ये तीनों दल ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके पास 162 विधायक कागज़ पर नहीं बल्कि हकीकत में हैं। तो जब ये मैं खबर पढ़ रही हूँ, उसके थोड़ी ही देर पहले तीनों दल के जितने भी MLAs हैं, उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं और जिसके पीछे ये लिखा है कि हमारे पास 162, यानी कि जो अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या इनके पास वाकई में नंबर्स हैं, क्या वाकई में गणित इनके साथ है, तो सब ये सोच रहे थे और ख़ासकर BJP के खेमे के लोग ये सोच रहे थे कि वो किसी न किसी तरह से वो ये हवा बनाएंगे कि उनके पास MLAs हैं, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि 170 MLAs उनके पास हैं। तो आज जो होटल हयात में जो शक्ति प्रदर्शन किया है कांग्रेस, NCP और शिवसेना ने, उससे ये साबित हो गया है कि वो सिर्फ पेपर पे ही किले नहीं बना रहे थे बल्कि हकीकत में उन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि उनके पास इतने MLAs हैं। MLAs ज़रूर आज दिन भर में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, उस जब फैसला आज का निपट गया, वो क्योंकि कल के लिए मुलतवी कर दिया गया है, तो उस फैसले के बाद से देखा गया था कि MLAs को अलग अलग होटल्स में रखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि एक ही चिंता थी उनके दलों के जो लीडर्स थे उनके दिमाग में कि कहीं ऐसा ना हो कि BJP MLAs को तोड़ने में कामयाब हो जाए। और दिन भर की मेहनत के बाद आज होटल हयात में इनका शक्ति प्रदर्शन हुआ है और ये शक्ति प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है, एक तरीके का साइकोलॉजिकल दबाव अगर मैं कहूँ, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और उसे ये इस बात का निर्णय लेना है कि फ्लोर टेस्ट कब होगा। और जो वो लेटर्स भगत सिंह कोश्यारी ने दिए थे और देवेंद्र फडणवीस ने दिए थे, वो कितने लॉजिकल और कितने रीजनेबल थे, उनके बारे में भी कल फैसला आएगा। लेकिन देखना ये होगा कि फ्लोर टेस्ट में क्या BJP अब अपना बहुमत साबित कर पाती है या नहीं। तो फिलहाल अगर हम गणित और अरिथमेटिक की बात करें तो गणित, और न सिर्फ गणित ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री भी इस समय इन्हीं तीनों दल के विधायकों के साथ दिख रही है। तो अभी तो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि ये MLAs NCP, शिवसेना और कांग्रेस के सारे एकजुट हैं, लेकिन सारा खेल फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि फ्लोर ऑफ द असेंबली में प्रूव किया जाएगा। और अब देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होती है एलिजियंस और दूसरी चीज़ होती है लॉयल्टी। तो ये जो फिजिकल संकेत आज देखा जा रहा है होटल हयात में प्ले आउट होता हुआ ये तीनों दलों के बीच में, तो इन विधायकों ने अपनी एलिजियंस पेश की है अपने अपने पार्टीज़ के साथ, लेकिन क्या इनकी लॉयल्टी फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपने पार्टीज़ के साथ होगी, यही देखना होगा। आइए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और कल सुबह 10:30 फैसला सुनाने को कहा है। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आज जहां शिवसेना और NCP की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कल ही फ्लोर टेस्ट करवाने की अपील की, तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से फ्लोर टेस्ट कराने के लिए आदेश न देने को कहा कि ये राज्यपाल के अधिकार में है। इस बीच शिवसेना, NCP और कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षित करने में जुट गई है। महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दो महिला कांग्रेस सांसदों के साथ हाथापाई का भी आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर आज
सबसे बड़ी खबर जो 10:30 बजे शुरू हुई, आज सुप्रीम कोर्ट के का जो फैसला आना था उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और 1 घंटा 20 मिनट पूरी सुनवाई चली, जिसके दौरान अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। उधर से देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मुकुल रोहतगी उनकी पैरवी कर रहे थे और जो दो लेटर्स कहे गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रविवार की हियरिंग में कहा था कि वो लेटर्स पेश करे, एक जो कि गवर्नर ने इनवाइट करते हुए देवेंद्र फडणवीस को दिया था और दूसरा जो वो चिट्ठी जिसमें कि मेजॉरिटी क्लेम की गई थी, तो वो दोनों लेटर्स को आज कोर्ट में सौंपा गया। 1 घंटा 20 मिनट जैसे मैंने आपको बताया पूरी सुनवाई चली और उसके बीच जो बहस हुई थी तो उसका जो एक क्रक्स अगर निकलता है तो उसमें यही बात निकलती है कि आज गवर्नर के रोल को जो पूरा उसमें डिफाइन किया गया, मुकुल रोहतगी ने कहा कि आप उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, उनकी डिस्क्रेशनरी पावर्स पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे और ख़ासकर आज जो निगाहें गड़ी थी वो ये थी कि क्या कोर्ट अपना फैसला फ्लोर टेस्ट के बारे में सुनाएगा या नहीं सुनाएगा, क्या कोई वो डेडलाइन बीजेपी को देगा या नहीं देगा, कब तक देगा, तो इन सारी बातों पे निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज का फैसला सुरक्षित रखा और कल सुबह 10:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, यानी कि अभी थोड़ा और टाइम मिल गया है बीजेपी को थोड़ा सा और बार्गेन करने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 162 MLAs का फ्लोर एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस, NCP और शिवसेना ने कर दिया है तो बीजेपी किधर से विधायक लेकर आएगी, किधर से नंबर्स लेकर आएगी, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो सारी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन आपको बता दें कि आज संसद में भी इसको लेकर बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, लोकसभा स्थगित कर दी गई, राज्यसभा भी स्थगित की गई और विपक्ष ने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा कि किसी तरीके से ये जो महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार का गठन हुआ है वो लोकतंत्र की हत्या है, इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। एक नहीं बल्कि बहुत सारे लीडर्स ने इस बात को कहा और उसी में हाथापाई हुई, जिसमें कि 2 महिला सांसदों ने ये आरोप लगाया कि मार्शल्स ने उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो इन सब तमाम सीन्स के बीच में महाराष्ट्र का जो सियासी खेल है वो पूरा संसद में छाया रहा, सुप्रीम कोर्ट में छाया रहा। लेकिन अब सारी निगाहें टिकी होंगी कि कल सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट के बारे में क्या फैसला सुनाता है। और एक बार फिर से आपको रिमाइंड करूंगी कि जो रूल 12 इस्तेमाल किया गया था राष्ट्रपति शासन को वापस लेने के लिए, तो बहुत सारे लीडर्स ने यह भी बात बोली है कि रूल 12 ऑर्डिनरी सिचुएशंस में इन्वोक नहीं किया जाता, तो क्या कोर्ट रूल 12 पे भी संज्ञान लेगा कल, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी फैसले आए हैं इस तरीके के फ्लोर टेस्ट को लेकर, चाहे वो SR बोमई का केस हो, चाहे उत्तराखंड सरकार का हो, चाहे कर्नाटका का हो, चाहे गोवा का हो, सब में कोई ना कोई प्रेसिडेंट है जिसमें कि फ्लोर टेस्ट अलाउ किया गया है 24 घंटे के अंदर। तो ये देखना होगा कि रूल 12 इस केस में राष्ट्रपति शासन को लेने के लिए कितना लॉजिकल है। तो इन सब पे हमारी निगाहें टिकी होंगी। आइए अब तीसरी खबर की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने में बीजेपी का साथ देने वाले NCP नेता अजीत पवार के खिलाफ सिंचाई घोटाले के केस बंद किए जाने की अपुष्ट खबर से तहलका मचा दिया है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सच में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनते ही सिंचाई घोटाले के आरोपों से पाक साफ हो गए हैं। ACB यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने सफाई दी है कि अजीत पवार के खिलाफ कोई केस बंद नहीं किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक नाजायज सरकार द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को सब मुकदमे बंद करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने तंज कसा कि मोदी है तो मुमकिन है। तो आज देवेंद्र फडणवीस ने अपना पदभार संभाला, लेकिन अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री का पदभार नहीं संभाला है। लेकिन टाइम्स नाउ जैसे चैनल ने, प्रभात खबर और दैनिक जागरण जैसे जो बड़े अखबार हैं, उन्होंने इस खबर को ब्रेक कर डाला और उन्होंने कहा कि अजीत पवार के खिलाफ जो सिंचाई स्कैम हुआ था, उसका जो पूरा मामला था 72,000 करोड़ का, उसके बहुत सारे आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया है और वो केस अब वापस लिया जा रहा है। तो इस तरीके की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो एंटी करप्शन ब्यूरो के महाराष्ट्र के जो हेड हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि किया और उन्होंने इस बात को साफ किया। उन्होंने कहा कि ये सब रूटीन इंक्वायरीज थी और कुल मिलाकर 12 दो दर्जन से ज़्यादा FIR
दर्ज हुए हैं, तो वो जो FIRs थे वो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन रूटीन इंक्वायरीज थी कुछ टेंडर के खिलाफ, उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, तो उन सब मामलों को खत्म किया जा रहा है। यानी कि अगर हम एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों की बात माने तो वो एक रूटीन इंक्वायरी थी। इसका मतलब ये नहीं कि अजीत पवार के खिलाफ जो केस चल रहा था उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स ने बोला है कि ये जो पूरा इरिगेशन स्कैम का जो मामला चल रहा था उसकी नागपुर जो बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसमें सुनवाई है 28 तारीख को, तो उन्हें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी थी और इसीलिए ये प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा रही थी, जिस पर मीडिया ने इस तरीके की अटकलें लगा ली। लेकिन संजय राउत ने भी ऐसा कहा है कि अजीत पवार NCP से टूटकर BJP के कैंप में इसीलिए गए ताकि उन्हें इरिगेशन स्कैम से बचना था। उन्हें महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो स्कैम आया था 25,000 करोड़ का, उससे शायद उन्हें कहीं बीज बचाव का रास्ता मिल जाएगा, इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके की बातें अब सारी सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी कहूँगी कि ये खबर अपुष्ट है, इसे क्लैरिफाई पूरी तरह से 100% नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ऑन द फेस ऑफ इट जो एंटी करप्शन ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि 28 नवंबर को जो नागपुर बेंच में जो बॉम्बे हाईकोर्ट की है वहाँ पर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है, जिसके ज़रिए उन्होंने उनको ये बताना था कि कितने अभी जो टेंडर्स हैं जिसमें गड़बड़ी हुई थी उन्हें कितनों को ख़त्म किया गया, क्या पूरी जो प्रोग्रेस है इस मामले में उस पर उन्हें एक रिपोर्ट देनी है। तो अभी फ़िलहाल हम यही मान के चलेंगे कि अभी अजीत पवार के जो करप्शन के केसेस हैं वो अभी नहीं हटाए गए हैं, फिलहाल अभी हम यहीं पर रुकेंगे। अब अगली खबर की ओर रुक करते हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश से चिंतित करने वाली खबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर अपने बायो से कांग्रेस शब्द हटा दिया है। ट्विटर पर सिंधिया के बायो में लोक सेवक और क्रिकेट का प्रशंसक लिखा है, जबकि इससे पहले सिंधिया के बायो में पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद लिखा हुआ था। सिंधिया के ट्विटर पर अपना बायो बदलने से अटकलों का दौर तेज हो गया है। हालांकि सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैंने अपना बायो एक महीने पहले ही बदल दिया है, तो अब इतना हंगामा क्यों हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इतने बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में माने जाते हैं, एक रॉयल घराना से आते हैं, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लाखों में उनकी ट्विटर की फॉलोइंग है, और अगर अचानक से वो अपना ट्विटर का ट्विटर के बायो से अगर वो अपना कांग्रेस शब्द हटा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि मीडिया तो इस पर अटकलें लगाएगा। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तथ्य भी है, क्योंकि अगर हम सिंधिया की, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, तो उन्होंने चुनाव के दौरान से ही ये खबरें आ रही थी कि वो अपना कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से खुश नहीं है, इस तरीके की खबरें तब से ही आ रही हैं, और ऐसा बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने लिखा कि ऑल इज़ नॉट राइट बिटवीन ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड द कांग्रेस, तो इस तरीके की बहुत सारी खबरें आई थी। और फिर उसके बाद कमलनाथ की जो सरकार थी उस पर सिंधिया ने समय समय पर, चाहे वो लोन वेवर की स्कीम हो, चाहे बाढ़ राहत का मामला हो, चाहे बिजली कटौती का मामला हो, इन सारे इश्यूज़ पर सिंधिया ने कमलनाथ की जो सरकार है उसके खिलाफ बोला है, और कई मौक़ों पर वो जो मोदी सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसकी तारीफ करते हुए नज़र आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया BJP में जाना चाहते हैं, तो वो खबरें गलत नहीं होंगी, वो अटकलें फिलहाल गलत नहीं होंगी। लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पर उन्होंने BJP ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना ट्विटर के बायो से कांग्रेस शब्द हटा लिया है, तो वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि वो अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस की उन्हें बातें नहीं अच्छी लग रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले देखा गया था, जब चुनाव हुआ था उसके बाद जो सिंधिया के जो कार्यकर्ता, जो सपोर्टर्स थे, वो आकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और उन्होंने डिमांड भी की थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। तो बहुत सारी उम्मीदें लोग लगा के बैठे थे कि कमलनाथ को क्यों बना दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया वॉज द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चुनाव के दौरान से ही इस तरीके के कैंप्स नज़र आ रहे थे, हालांकि उस समय कांग्रेस ने एक यूनिफाइड फेस कोशिश की थी, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ का एकजुट होना करके मीडिया ने दिखाया, एटलीस्ट मीडिया के सामने उस तरीके से वो पेश आए। लेकिन जो डिविजन्स थे, जो विभाजन था उनके जो ग्रुप्स का, वो अब सामने नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियरली। लेकिन अब देखना ये होगा कि ऑफिशियल तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया BJP कब ज्वाइन करते हैं। आइए अब अपनी पांचवी खबर की ओर रुख करते हैं।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पराली जलाने को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार की जमकर खिंचाई करते हुए कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकारों में कोई इच्छा शक्ति नहीं है। कई आदेश के बावजूद पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में क्यों ना सरकारों पर जुर्माना लगाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या लोगों को गैस चेंबरों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन सभी को एक बार में मारना बेहतर होगा। तो आज एक कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्द यूज़ किए और ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के सरकार के जो अधिकारी आए थे उनको बहुत कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अगर आप लोगों को ऐसे मरने के लिए छोड़ देते हैं तो इससे अच्छा है कि एक साथ ही उन्हें गैस चेंबर में डाल दीजिए या कोई जहरीला मास्क पहना दीजिए ताकि लोग मर जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आए दिन ये इतना सीरियस संज्ञान क्यों ले रही है, क्यों ले रही है? और साथ में ये भी देखना होगा कि ये जितनी भी राज्य सरकार हैं ये क्या इतनी असहाय हैं इस समय कि ये कोई ठोस कदम इस समय नहीं ले पा रही हैं, खासकर जो पराली जलाने का मामला है। अब आपको बता दें कि 20 नवंबर तक के अगर आप आंकड़े देखें तो पराली जलाने के यानी कि जो फार्म फायर्स हैं उनमें 51,362 फार्म फायर्स नज़र आई हैं। ये आंकड़ा आपको मैं 20 नवंबर तक का बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सारी सरकार, ये खासकर दिल्ली सरकार से कहा है कि आप स्मोक टावर्स को इंस्टॉल करिए पूरे शहर में और किसी न किसी तरीके से परमानेंट बेसिस पे इन स्मोक टावर्स को इंस्टॉल करिए। लेकिन आज सवाल ये है कि स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाने को लेकर राज्य सरकार इतनी हेल्पलेस और इतनी मजबूर क्यों नज़र आ रही है? क्यों नहीं कोई इंसेंटिव अनाउंस होता है ताकि किसान पराली ना जलाएं बल्कि और कोई मैकेनाइज मेथड अडॉप्ट करें? आपको ध्यान होगा कि पिछले महीने सरकार ने ये कहा था कि फार्म जितने भी किसान हैं उनको 100 रुपए क्विंटल का एक इंसेंटिव दिया जाए, लेकिन उस पर भी ज़्यादा कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनको जो हैप्पी सीडर मशीन्स दी गई थी वो कितनी काम कर रही हैं उस पर भी अभी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि कितने किसान उसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि खबरें ऐसी आती हैं कि किसानों के पास है लेकिन वो आधा समय काम ही नहीं करती। तो जब तक किसानों को इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा, उनका माइंडसेट नहीं चेंज किया जाएगा, तो ये पराली जलाने का जो मामला है ये हर साल इसी तरह से सामने आएगा। कोर्ट कड़ा संज्ञान लेगा, थोड़े दिन राज्य सरकार सीरियस देखेगी और फिर से ये मामला फिजल आउट हो जाएगा। लेकिन आज जो कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है, कोर्ट अपने तरफ से एक सेंसिटिविटी दिखा रहा है कि प्रदूषण जैसा मामला राज्य सरकार हल्के में नहीं ले सकती, ये एक कड़ा संदेश है। लेकिन अब ये राज्य सरकारों को मिलकर तय करना होगा। और अभी थोड़े दिन पहले हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें ये कहा था कि ये सारे जो राज्य सरकार हैं इनको मिलकर बैठकर प्रदूषण पर एक काउंसिल बनानी होगी और तभी एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान बनेगा। ये नहीं कि पंजाब की सरकार कुछ कर रही है, हरियाणा की सरकार कुछ कर रही है, दिल्ली की सरकार कुछ कर रही है। और आज भी कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि आप लोगों के लिए प्रदूषण का मामला बहुत हल्का है, आप अभी भी सिर्फ ब्लेम गेम में लगे हुए हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट आए दिन इतना कड़ा संज्ञान लेता है लेकिन क्या राज्य सरकारें उतनी संवेदनशील हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं, उस पर हमें देखना होगा। हालांकि आपको बता दें कि जो आज जो ऑफिसर्स आए थे उन्होंने, जो यूपी के सेक्रेटरी थे खासकर, उन्होंने एक आंकड़ा लेकर आए थे कि इतने दिनों में उन्होंने कितने FIRs दर्ज किए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 1000 FIR दर्ज किया है और 1 करोड़ का फाइन राज्य पर इम्पोज किया है, यानी यूपी सरकार पर, यूपी जो गवर्नमेंट है उसने 1 करोड़ का फाइन इम्पोज किया है। तो आज सवाल ये है कि आपने FIR दर्ज किया, आपने फाइन्स इम्पोज किए, लेकिन ये जो कोअर्सिव एक्शन है क्या ये कारगर साबित होगा? इनफैक्ट कोर्ट ने भी यही बात कही है कि आप पॉजिटिव एक्शंस लीजिए, कोअर्सिव एक्शंस में मत बिलीव करिए, क्योंकि कोअर्सिव एक्शंस होंगे तो लोग डरे रहेंगे और शायद कुछ और भी उल्टे सीधे इसमें कदम उठ सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकारें क्या करती हैं और जो उनका एक्शन प्लान है, जैसा उन्होंने कहा गया है कि 10 दिनों में आप स्मोक टावर्स लगाइए दिल्ली में, तो इस तरीके के जो एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट कर रहा है क्या राज्य सरकारें इसे कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। फिलहाल जो दिल्ली का जो AQI लेवल है, क्वालिटी इंडेक्स है, वो कई इलाकों में आज भी बहुत खराब पाया गया, बहुत सीवियर कैटेगरी में पाया गया है, लेकिन राज्य सरकारें अभी भी कोई कोऑर्डिनेटेड प्लान नहीं लेकर आ पा रही हैं। और जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है,
तो इससे अच्छा है कि आप एक साथ सबको कुछ मास्क पहना के और एक साथ उनको मार डालें तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ये संवेदनशील स्टेटमेंट जब कोर्ट से आते हैं तो राज्य सरकारें ऐसा लगता है कि एक कान से सुनती हैं और दूसरे कान से निकाल देती हैं। तो नज़रें हमारी होंगी राज्य सरकारों पर कि वो क्या एक्शन ले पाती हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने में। मेरी ओर से पांच बड़ी खबरों में इतना ही। मेरा ट्विटर हैंडल @neelu317 पर ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा। इसी बेबाकी के साथ आपको सुनाती रहूंगी सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।